हर फीमेल को चाहिए वो सेक्स का मतलब समझे, करने से पहले इसका मतलब समझे, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, करना भी या नहीं करना है, तभी वो ऑर्गेजम को समझ पाएंगी और उसे फील कर पाएंगी। लड़कियों में ऑर्गेजम कैसे होता है, मैं कैसे पहचानूं कि मेरी जो फीमेल पार्टनर है उसे ऑर्गेजम मिल चुका है, उसे वो चरम सुख की प्राप्ति हो चुकी है, उससे पूछूं तो उसे खुद नहीं पता होता, तो कैसे पता लगेगा कि हाँ किसी फीमेल को ऑर्गेजम मिल चुका है। भाई किसी फीमेल को जो ऑर्गेजम मिलता है ना, कोई गाजे बाजे के साथ नहीं मिलता। ऑर्गेजम से पहले कुछ साइन मिलते हैं तो कभी नहीं भी मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी फीमेल पार्टनर को जब ऑर्गेजम मिलेगा तो कहीं दूर बिजली कड़केगी और आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरी फीमेल जो पार्टनर है उसको ऑर्गेजम मिल चुका, उसे चरम सुख की प्राप्ति हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा क्यों, हमारा तो साफ पता लग जाता है, इसीलिए तो आप पुरुष और वो स्त्री है। खैर मजाक कर रही हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि मेल और फीमेल बॉडी की जो आंतरिक संरचना है वो बिल्कुल अलग अलग है, वो सेक्स के टाइम रिस्पॉन्स भी बिल्कुल अलग तरीके से ही देती है। जहां एक मेल को सेक्स के लिए तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वहीं एक फीमेल 20 से 25 मिनट तो तैयार होने में ही लेती है। उसकी जो एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसके सेक्स करने के तरीके में, उसके ऑर्गेजम लेने में, उसके डिस्चार्ज होने में, आपके और उसकी हर सेक्सुअल एक्टिविटीज में फर्क पाया जाता है। फिर भी एक उत्सुकता तो बनी रहती है किसी मेल के अंदर भी और एक फीमेल के अंदर भी कि भाई ऑर्गेजम आखिर मिलता कैसे है, उसकी पहचान कैसे होती है, कैसे मैं जानूं कि हाँ मुझे चरम सुख की प्राप्ति हो चुकी है। तो टेंशन ना ले, मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे साइन बताने वाली हूँ जिन्हें समझ कर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यही ऑर्गेजम है और आपने इसे फील कर लिया है। और वो क्या है, नंबर वन बॉडी टॉक, जिसमें फोरप्ले जैसी चीजें शामिल होती है। ये एक्साइटमेंट से भरा हुआ फेस होता है। इसके बाद जितना कोई लड़की सेक्स में इंटरेस्ट लेती चली जाती है, उसकी एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसकी एक्साइटमेंट का लेवल बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंच चुका होता है, उस वक्त उसे फील गुड का एहसास होना शुरू होता है, उसे मजा आना शुरू होता है, और उसी मजे को, उसी फीलिंग को ऑर्गेजम कहते हैं। अभी आपको पता कैसे लगे कि हाँ यही ऑर्गेजम है, कहते तो हैं इसे ऑर्गेजम, लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि यही ऑर्गेजम है। पुरुषों का ऑर्गेजम तो बहुत ही इजीली पता लग जाता है, जब उनके अंदर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है, वो खुमारी चढ़ती है, तो एक टाइम आता है कि जब उनका पीनस में से डिस्चार्ज होता है, इजैकुलेट होता है, और वो व्हाइट सब्सटेंस देख के जो प्रत्यक्ष दिखता है उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई ऑर्गेजम एक पुरुष को मिल चुका है। और यही व्हाइट सब्सटेंस जिसे सीमन कहा जाता है, ये किसी पुरुष में इजैक्युलेशन के टाइम में ज्यादा निकलता है तो कभी कम निकलता है, और इसी इजैक्युलेशन को पुरुषों का ऑर्गेजम माना जाता है। हालांकि महिलाओं में भी ये चीज होती है, उनके अंदर भी इजैक्युलेशन होता है, लेकिन कंपैरिजन ऑफ पुरुषों के उनमें ये चीज कम होती है। उनके अंदर एक्साइटमेंट और वेटनेस, वजाइना में गीलापन ज्यादा होता है जब उन्हें ऑर्गेजम महसूस होता है। तो दोनों का ही कंपैरिजन करना ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि दोनों की ही शारीरिक बनावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो सेक्स के दौरान अलग अलग ही रिस्पॉन्स करती है। एक का सेक्स एक्सपीरियंस दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है और हर बार अलग हो सकता है, इसका कोई थंब रूल नहीं है कि भाई ऐसा होता है और अगली बार भी ऐसा ही होगा। और वैसे भी सही मायनों में ऑर्गेजम का मजा डिस्चार्ज या इजैक्युलेशन में नहीं है, बल्कि उससे होने से कुछ सेकंड पहले है। इसलिए डिस्चार्ज के टाइम पे सीमन का कलर कैसा था, वो ज्यादा था या कम था, इस पर दिमाग कम ही लगाएं, बल्कि इजैक्युलेट होने से पहले, कुछ सेकंड पहले मिलने वाले वो फील गुड एहसास का लुत्फ उठाएं, उस ऑर्गेजम का मजा उठाएं। ऑर्गेजम की फीलिंग काफी एक्साइटिंग, मजेदार और थ्रिलिंग हो सकती है। हर व्यक्ति इसे अपने अपने तरीके से ही एक्सप्रेस करता है और हर सेक्स के टाइम पे ये फीलिंग बदल सकती है, आह से आह तक हो सकती है। देखो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि किसी फीमेल को ऑर्गेजम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इस पे दिमाग मत लगाओ। एक फीमेल को भी यही चाहिए कि उसको अगर पहचानना है खुद को कि उसे ऑर्गेजम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो बस वो इस चीज पे ध्यान दे कि वो जिसके साथ सेक्स कर रही है, अपने मेल पार्टनर के साथ, जब वो सेक्स में लीन हो चुकी है, तो उस वक्त उसे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो मजा है ना वही ऑर्गेजम है। अगर उसे मजा नहीं आएगा तो वो सेकंड टाइम के लिए भी रेडी नहीं होगी, फिर वो सेकंड टाइम उसका चाहे अगला दिन ही क्यों ना हो या परसों क्यों ना हो, वो नहीं तैयार होगी मन से, क्योंकि कोई सेक्स जो करता है वो मजे के लिए ही करता है, और मजे का डायरेक्ट कनेक्शन ऑर्गेजम से है, ऑर्गेजम ही मजा है। जब उसे मजा ही नहीं आ रहा तो मतलब उसे ऑर्गेजम नहीं मिल रहा, फिर वो जिंदा लाश की तरह ही पड़ी हुई है।
तो सेक्स करते वक्त रिजल्ट की चिंता मत करो कि ऑर्गेजम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आप बस ये देखो कि मेरी पार्टनर को मेरे साथ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी सिसकारियां निकल रही है नहीं निकल रही है, वो आ से आ तक पहुंची या नहीं पहुंची। मेल पार्टनर को चाहिए वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, चलो अगर पूछना भी चाहता है ना सेक्स के बाद, तो ये ना पूछे कि तुम्हें ऑर्गेजम मिला है नहीं मिला है, तुम ये पूछो कि यार मजा आया नहीं आया, अच्छा लगा तुझे या नहीं लगा। बाकी कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, जब किसी फीमेल को ऑर्गेजम मिलता है तो उसकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है। सेक्सुअल रिस्पॉन्स हर किसी का अलग अलग हो सकता है क्योंकि हर फीमेल अलग है। उसको जो ऑर्गेजम मिल रहा है उसके पीछे की वजह, उसके पीछे का जो उसे सुख मिला वो किस वजह से मिला, ये अलग हो सकता है। जैसे किसी को पूरी बॉडी पे रेड कलर के रैशेस स्पॉट पड़ जाते हैं, कहते हैं ना कि यार पूरी लाल हो गई, तो वो जो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से जो पूरे चेहरे पे या पूरी बॉडी पे जो रेड रैशेस पड़ते हैं, ये ऑर्गेजम की ही निशानी है। दूसरा, उसकी आवाजें निकलना, मॉर्निंग निकलना, ये आवाजें वो नहीं होती कि आपके कान फट जाए, बल्कि इन आवाजों को तो आप बार बार सुनना चाहोगे, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि उसे ऑर्गेजम मिल रहा है, तभी तो उसकी आवाजें निकल रही हैं, सिसकारियां निकल रही हैं। दूसरा, उसका आपको पकड़ लेना, बाहों में पूरी तरह से जकड़ लेना, मतलब अपनी तरफ खींचना, ये भी एक सिम्टम होता है कि हाँ उसे ऑर्गेज्म मिल रहा है, क्योंकि वो जकड़न सी उसकी बॉडी में फील होती है। आपको बाइट करना या फिर आपको नखून चुभाना, वजाइना में भी एक खिंचाव सा महसूस होता है और वो खिंचाव आपको अपनी तरफ खींचता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो वैरी कर सकते हैं फीमेल टू फीमेल, किसी के साथ कुछ हो सकता है तो किसी के साथ कुछ हो सकता है। मैं फिर भी यही कहूंगी, अगर किसी लड़की को सेक्स के दौरान मजा आ रहा है, इट मीन्स उसे ऑर्गेजम मिल रहा है, दैट्स इट। यही है ऑर्गेजम की निशानी, मजा इज ऑर्गेजम, प्लेजर इज ऑर्गेजम। तो जितना ज्यादा हो सके मजा लो, मजा दो और सेक्स को एंजॉय करो। कोई व्यक्ति सेक्स मजे के लिए करता है, अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, अपनी मेंटल पीस के लिए करता है, इन सब चीजों का डायरेक्ट कनेक्शन ऑर्गेजम से है। बड़ा दुख होता है ये जान के कि आज भी इस तरह की महिलाएं होती हैं जिन्हें ऑर्गेजम के बारे में पता ही नहीं होता। वो सेक्स कर भी रही है तो क्यों कर रही है, क्या वजह है, करना भी या नहीं करना है ये भी उन्हें पता नहीं होता। हाँ बस मेरे हुजूर ने बोला और वो पड़ गई लेट गई। आपकी जरूरत है या नहीं, आपकी भी चाहत इसमें है या नहीं, ये जानना ये समझना वो चाहती ही नहीं है। तो ऑर्गेजम उन्हें खाक पता लगेगा, जब उन्हें यही नहीं पता कि वो जिसके साथ सेक्स कर रही हैं या करना भी है या नहीं करना, उनकी खुद की चाहत है भी या नहीं, ऑर्गेजम के बारे में क्या पता लगाएंगी, वो क्या समझेंगी और फिर क्या समझाएगी अपने पार्टनर को। तो सेक्स के ऊपर खुलकर विचार करना, बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन कितनी ही फीमेल आज भी शर्मोहैया के चलते, झिझक के कारण खुलकर इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं कर पाती हैं। हर फीमेल को चाहिए वो सेक्स का मतलब समझे, करने से पहले इसका मतलब समझे, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, करना भी या नहीं करना है, तभी वो ऑर्गेजम को समझ पाएंगी और उसे फील कर पाएंगी।